अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सबसे पहले तो छोटा सा इंट्रोडक्शन, मेरे नाम इंजीनियर हिजाब सातबारी है और यहाँ पर जो मैं अभी बात करने के लिए आई हूँ वो मैं जो पीछे से रेफर कर रही हूँ वो विमेन विंग को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ वाईपैक के। ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूँगी, 2 से 3 पॉइंट्स मैंने डिस्कस करने और 2 से 3 पॉइंट्स में जो सबसे अहम पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि अब से पहले मैंने नहीं देखा कि किसी भी पर्सन ने सोचा हो कि कोई विमेन विंग या विमेंस को कोई दर्जा दिया जाए इंजीनियरिंग में, क्योंकि ख्वातीन हमारे पास इंजीनियर्स के तौर पे बहुत कम होती हैं। अगर आप सब जर्नलाइज करें, क्योंकि हम देखें प्रैक्टिकल पॉइंट्स के ऊपर मैं आप लोगों से बात करना चाह रही हूँ थोड़ी सी, क्योंकि आप लोगों ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ मैं अपना मैसेज आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। और चेयरमैन साहब इंशाल्लाह फ्यूचर के हमारे जो है वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के जो चेयरमैन साहब हैं उनको मैं अपना मैसेज पहुँचा सकूँ। ख्वातीन के बारे में मैं ये कहूँगी कि जब भी हम किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं और हम किसी क्लास में जाते हैं तो हम देखते हैं कि अगर 60% की क्लास है तो उसमें 2 से 3 लड़कियाँ होती हैं और ज़्यादातर जो है वो हमारे पास मेजॉरिटी जो होती है वो मेल्स की होती है। जेंडर रोल्स के ऊपर बात नहीं करूँगी, बात थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन जो भी लड़कियाँ इंजीनियरिंग कम्प्लीट करके ख़ासतौर पर निकल रही हैं यूनिवर्सिटीज़ से, उनका क्या हो रहा है, उनका करियर कहाँ है, अगर वो करियर अपना बनाना भी चाहती हैं तो उनके लिए क्या प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। सबसे पहली तो ये चीज़ मैं चेयरमैन साहब की जो है वो नॉलेज मिलाना चाहती हूँ। दूसरी चीज़ जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ वो है इंडस्ट्री और एकेडमिया का गैप। रिसेंटली मैं भी जो है वो एक विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ा रही हूँ और मैं जो देख रही हूँ ये देख रही हूँ कि जो इंजीनियर्स हैं जब वो निकलते हैं इंजीनियरिंग करके तो उनको बेसिकली पता ही नहीं होता इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद, किसी भी शोबे से जो मुंसलिक इंजीनियर्स हैं उनको पता ही नहीं होता बेसिकली उन्होंने करना क्या है, अब उनका नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब उनको कोई गाइडेंस नहीं है, कोई काउंसलिंग नहीं है यहाँ पे और इसकी मैं बहुत ज़्यादा लैकनेस फील करती हूँ। थर्ड थिंग जिसके लिए मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पॉइंट रेज करने से पहले ही अभी थोड़ी देर पहले हमने वीडियो में भी देखा एंटरप्रेन्योरशिप को हमारे यहाँ ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं किया जाता, जिसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि अगर एंटरप्रेन्योर्स इंजीनियर्स नहीं बनेंगे, इनोवेटर्स नहीं बनेंगे, क्योंकि इंजीनियर्स इनोवेटर्स होते हैं बेसिकली, अगर वो एंटरप्रेन्योरशिप परस्यू नहीं करेंगे तो कौन करेगा। देखिए जॉब्स का मसला हमारे पास है, हमारे पास इंजीनियर्स के लिए जॉब्स का मसला है, लेकिन हमें वो बनना चाहिए जो हम जॉब्स क्रिएट कर सकें। बस ये कुछ पॉइंट्स मैंने रेज करने थे। चेयरमैन साहब प्लीज़ आप जो है हम अगर आपको वोट करने की तरफ जा रहे हैं और हम अपना विजन जो है वो नॉन पॉलिटिकल पार्टी को वोट करना चाह रहे हैं तो वो इसलिए कि हमारा वोट वेस्ट ना हो, ठीक है। जितने भी हमारे जो यूथ है उनका जो वोट है, उनका जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है वो वेस्ट ना हो। तो काइंडली बस इन इश्यूज को मैंने आपसे डिस्कस करना था। थैंक यू सो मच और थैंक यू मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं अपनी बात आप लोगों के सामने रख सकूं। थैंक यू।